उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुर में नटवर लाल ने एक दर्जन से अधिक किसानों के साथ धोखाधड़ी कर दी। बैंक कर्मियों के साथ मिलकर नटवर लाल ने किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड के खातों से नकदी उड़ा दी। जब किसान ऋण माफी योजना का लाभ लेने बैंक पहुंचे तो किसानों को उनके खातों से नकदी निकाले जाने का पता चला। किसानों की तहरीर पर आरोपी नटवर लाल के खिलाफ पुलिस ने अभियोग दर्ज कर लिया है, वहीं नटवर लाल फरार है। पेश है मैनपुरी के संवाददाता शिवनाथ सिंह की खास रिपोर्ट। एक जासूसी का मामला दर्ज हुआ है कि जो बैंक से धोखाधड़ी करके पैसे निकाले, क्या पूरा मामला था? ये कि लालू नाम दलाल है जो बैंक से लोन सेंक्शन करा करके जो किसान लोग उनको दिलवाता है। अभी कल कुर्रा में 10-15 किसान आए थे, उनका आरोप यह है कि इसके द्वारा 1,00,000 का लोन कराया गया, लेकिन अकाउंट से 50,000 रुपये निकाल लिए गए, मात्र 50,000 उनके अकाउंट में पहुंचा। इस तरह से प्रथम दृष्टा ये मामला धोखाधड़ी होने पर बोधन भजन करा लिया गया है और ऐसे शशिकांत इसकी जाँच कर रहे हैं। जांच के आधार पर जो भी दोषी पाया जाए। कभी लिया था आपने लोन? जानकारी लिया होगा, उसने लिया होगा। आपके पति ने? कहाँ है अभी पति? खत्म हो गए। तो आपके पास क्या जायदाद वगैरह कितनी है? कुछ नहीं है मेरे पास। खेत वगैरह नहीं है? नहीं है। आपको पता नहीं किस आधार पर लोन दिया गया? नहीं मालूम मुझे। लोन किसने कराया था? लाली। गाँव के ही रहने वाले? गाँव के रहने वाले। क्या ये बैंक कर्मी है क्या? मतलब कोई हो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन आपको 1,00,000 का नोटिस आया? हाँ। कैसे देंगे आप? कैसे देंगे? मैं तो मंजूरी करती हूँ, कैसे देंगे बताओ। नहीं, जब नोटिस आया तब आपको पता चला कि आपके ऊपर 1,00,000 का कर्ज है? नहीं, पता भी पता चला हमें। आपके पति ने नहीं बताया? नहीं, मुझे नहीं बताया। अच्छा, कितने बीघा जमीन आपके पास? कुछ नहीं है। कितने बच्चे? 4 बेटियाँ हैं। क्या कुछ लोन वगैरह आपने लिया था? नोटिस वगैरह आया? क्या है मामला? नोटिस वगैरह नहीं आया साहब, अभी कुछ लोन तो लिया था। कितना लिया था? लोन लिया था मैं 60,000 का। 60,000 मिल गए थे? नहीं मिले था। कितने मिले थे? रुपया मिले 50,000 था, मैं 10,000 मतलब कमीशन चला गया। तो किस आधार पर मिला था लोन? क्या आपके कागज? मैंने तो कागज दिया, कागज लगाया ना किसी ने। क्या दिया था? मैंने प्रूफ दिया था कि वो बंदा फद लगाएंगे, तो तुम नहीं जा पाएगा तो हम ही कटा जाएंगे। नहीं, आपको कैसे पता कि आप आपका कुछ नहीं लगा? मुझे ऐसा पता है, जब बैंक देखने गया तब पता लगा। तो खेत कितना है आपके पास? खेत तुम्हारे पास खुल है, मेरा प्रूफ कुछ नहीं लगा। बिना मतलब फर्द वगैरह लगाए ही लोन दे दिया गया आपके सिर्फ नाम से ही? किसने किया ये? किसने किया? जिला 60,000 किया था। अरे किसने किया? ना बता, भाई। लाले उरफ फूलपाल उरफ लाले। अच्छा, गांव के ही है ये? गांव के ही है ठाकुर साहब। क्या करते हैं? बैंक कर्मी नहीं, दलाल है ये। आपने लोन निकाला, किस बैंक से निकाला? ग्रामीण बैंक से। कितना लोन लिया था आपने? आप मुझे 25,000 मिले, 80,000 कर दे। कब निकाला था आपने? हो गए 2-3 साल। 80,000 रुपए का आपको लोन निकल हो गया है? नहीं, आपको कितना मिलना चाहिए था लोन? मुझे 25 मिले। लेकिन खाते में कितना है? 25। अब कितना हो? नहीं, कोई प्रूफ ही नहीं हम पे। नहीं, 80,000 रुपए कर दिया गया। हाँ। और आपने डिमांड 25,000 की थी। हाँ। ब्याज कितना है? ब्याज सर जाने कितना है। तो ये किसके द्वारा कराया गया था कम ये आपका लोन? कौन, कोई दलाल फलाल था इसमें? हाँ, उसने भी पैसा लिया कुछ? उसने भी पैसे लिए। तो कितना, कोई फर्ज कितना? कुछ नहीं। कितना पैसा लिया? उतने सभी लिए, मुझे मात्र 25,000 मिले। कितनी जमीन आपके पास? 1 बीघा। कागज हैं? कागज 1 बीघा। क्या आपने बैंक से लोन लिया? हाँ। कौन सी बैंक से लोन लिया है आपने और कितना लिया? ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त कुर्रा जी। कितना लोन लिया है आपने? 55,000 का लोन लिया। जब यानी माफ़ी की योजना आई तब देखने गई तो उसमें लोन 1,00,000 रुपये का निकला। जब मैंने लाली से कहा तो उन्होंने लाली और सूरपाल, जब उन्होंने उनसे मैंने कहा कि मेरी 1,00,000 का लोन है, तो उन्होंने ये बताया
कि उससे तुम्हें क्या मतलब है, तुम 55,000 का भरो, बाकी का हम भरेंगे। आपने 55,000 लोन लिया, कमीशन कितना लिया बैंक प्रबंधक और दलाल ने? 13,000 रुपये। शिकायत की कहीं है? हाँ, शिकायत की मैंने DM साहब से की, SP से की, करेल तहसील CEO साहब से की। सुना है कोई पकड़ा भी गया था उसमें? हाँ, लाली पकड़ी गई, फिर थाने में शॉर्टकट हो गई, कुछ भी सही है छोड़ दिया गया। तो अभी तक आपकी शिकायत का कोई वो नहीं तवज्जो? क्षेत्र में कुर्रा थाना क्षेत्र में एक ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त है, उसमें किस तरीके से लोन होता है, क्या कैसे पूरा बात बताइए। वहाँ तो साफ पैसा दो लोन होता है, उन लोगों का होता है जिनका चेहरा देख के करते हैं, कमीशन लेते हैं। आधार कार्ड पर हमारी फाइल रखी आपके सामने, एक महीना हो, दो महीने की भरी रखी है, उस पर डेट पढ़ लो आप। उन्होंने हरगिज फाइल नहीं की। जब लोगों से एक दूसरे दलालों से भी कहवाया गया तब कई साल इतने रुपये लगेंगे आपके। कितने चाहो, 15,000, 20,000, 30,000 रुपये ले जाओ आप, 20,000 यहाँ दे जाओ। किसान पर तो 50,000 रुपये लगेगा पूरा, उसका ब्याज लगेगा। आपसे कितने रुपए मांगे थे? हम पे 20,000 रुपये। अगर आप 20,000 रुपये दे देते तो लोन हो जाता? मैंने कहीं नहीं दूंगा। कितने लोन के लिए आपने अप्लाई किया था? 50,000 की फाइल भी हमारी। अच्छा, डेट भी पड़ी उस पर, लेकिन नहीं मिला? नहीं मिला। ये बताइए, जो आपके क्षेत्र में कुर्रा में जो ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त है, वहाँ पे लोन किस तरीके से, क्या कैसे? KCC पे 20% और अनलिमिटेड और 25%, 10 दलाल लगे हैं, 10 दलाल द्वारा वहीं पैसा पहुँचता फटाखे। हमसे तय हो गया, किसान से तय हो गया, पैसा निकला कि दलाल ने लेके फटाखी ना, मैंने हाथ में दे दिया। मतलब अगर उसे चल रहा सालों से नहीं, कई साल से हमने 2 LMD करवाई है, एक अपनी दुकान के ना, हम पे ले लिए 10%। अच्छा, कितना दिया आपने? 10%। कितना पैसा? 20,000 20,000। कितने का लोन? 2,00,000 पे। तो आपने 20,000 रुपये दिया? 20,000 लिए। तब करी मजबूरी दे, पैसे की जरूरत है, आदमी कराया KCC मजबूरी में ही करा था, भैया शादी चक्कर मैं शादी फंस रही, किसान घर पे KCC के ले आए, 20% उन्होंने ही काट ले। कौन से बैंक के मैनेजर थे? इसी के तैयार है। क्या नाम था? गिरीशचंद गुप्ता। अब कहाँ है वो? अब तो ट्रांसफर हो चले राजपुर में। अच्छा, 8-10 दिन हो गए में। सब क्षेत्री लूट लो आप, सबसे पूछो बारी बारी। कार्ड भी लिया था? आधार कार्ड। तो क्या आपसे लिया गया है? 5,000 रुपए लिए, 50,000 रुपए, 40,000 बाद में दिए, पहले दे दिए, 5,000 काट लिए, तक बाद 5,000 और दे, 40,000 रुपए मिला है आपको। ये लोन आधार कार्ड पे था क्या? आधार कार्ड में। तो कुल कितना पैसा लिया गया? मेरे को 45,000 मिला। लोन कितना था? 50 का। 5,000 रुपये ले लिए। क्या काम करते हैं? कॉपी किताब की दुकान है सर, बुक होकर रखता है। किसने ले लिए 5,000 रुपये? गुप्ता जी है, रहते हैं, वो चले गए। गुप्ता जी कौन है? गुप्ता जी ये बैंक प्रबंधक थे। ट्रांसफर हो गया, गुप्ता जी का सलाम। अच्छा, तो यहाँ पे आपने लोन वगैरह लिया है? हाँ, लोन लिए थे। कितना लोन लिया था आपने? लोन लिए थे 95,000 की जी, और निकाले तो इसमें थे 55,000 रुपये जी। फिर उन्होंने किताब रखी 3-4 दिन, 4 दिन किताब रखने के बाद पिताजी आए लेने के लिए, उन्होंने दूसरी किताब बना के दे दी, उसमें 80,000 रुपये चढ़ा दिए। अच्छा, कि आपने 80,000 रुपये निकाल लिए? और कह रहे हैं 80,000 रुपये तो मैंने निकाले, इसीलिए तब चढ़ी इस पर। अच्छा, मतलब 30,000 रुपये का घोटाला कर दिया? घोटाला कर दिया। कौन था, किस बैंक का मामला? कुर्रा किया घोटाला मैनेजर कौन है? उस समय कौन था यहाँ पे? ये तो अभी तो बदली हुई है। अच्छा, दूसरे वाले थे, पहले वाले? पहले गुप्ता जी।